बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टफुल टीचर्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप? और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैं हूं अब्दुल नबी अहमद, आपके लिए लाता हूं हमेशा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड लॉट ऑफ फन। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रेड टू। ग्रेड टू में हम आज क्या करेंगे, हम यूनिट नंबर टू नंबर ऑपरेशंस करेंगे। अब आज का हमारा लेसन क्या है, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 18। अब लेसन नंबर 17 में हमने क्या किया था, हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था और विदाउट बारो। तो अभी हम क्या करेंगे, आज का हमारा एसएलओ है सब्ट्रैक्ट वन डिजिट नंबर फ्रॉम थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर में से वन डिजिट नंबर को माइनस करना है हमने विद बोरो। पहले हमने विदाउट बोरो किया था, अभी हम विद बोरो करेंगे। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पे हमने ऐड किया है एक लेसन प्लान, ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो इस लेसन प्लान को डाउनलोड करने के बाद आप उसे टैली कर सकें और इस प्रेजेंटेशन को, इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आपने थ्री डिजिट नंबर्स को थ्री डिजिट नंबर्स में ऐड करना सीखा था विदाउट बोरो। तो अभी ये क्वेश्चन जल्दी से टीचर को करके दिखाएं। बच्चों, मुझे पता है कि आपको लास्ट टाइम आपने जितना इंटरेस्ट शो किया था, जितनी एनर्जी शो की थी, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आप एक मिनट के अंदर टीचर को करके दिखा देंगे। तो टीचर, जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन ये बच्चे कंप्लीट करते हैं तो आप दोबारा हम रिकनेक्ट कीजिएगा, तो मैं करूँगा आपका इंतज़ार। तो जल्दी से वापस आएँ। गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छा करके दिखाया, आपने बता दिया कि लास्ट एसएलओ तो हमें बहुत अच्छा लगा था। तो अभी एक और है, लास्ट ईयर हमने क्या किया था, टू डिजिट नंबर में से वन डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, वही सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। अब ये तमाम बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने, टीचर अपनी मर्जी से डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चन देंगी। और टीचर, मुझे एक्सपेक्टेड है कि बच्चे जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर जो हमने बच्चे को पढ़ाया था ये टू डिजिट नंबर में से वन डिजिट नंबर को विद बोरो सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या ये बच्चे को आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो उन्हें थोड़ी सी बात वहाँ पे समझा दें, ताकि बच्चे अगले एसएलओ के लिए रेडी हो सकें। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका, तो इस काम को करके जल्दी से वापस आएँ। सो सर अहमद कर रहे हैं आपका इंतज़ार। गुड बच्चों, आज का हमारा एसएलओ क्या है, हमने ये देखें थ्री डिजिट नंबर है, पहले तो हम इसको रीड करेंगे। 500, नाइन टेंस हो तो क्या बनता है 98, क्या डिजिट है जी, क्या नंबर है जी, 598। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, नाइन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ ये याद रखें कि ना, जब भी हम देखेंगे कि जो ऊपर नंबर है वो निचले नंबर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, देखें आपको पता है कि हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये नंबर्स किससे हेल्प लेंगे, वंस के इर्द गिर्द कौन नज़दीक है सबसे ज़्यादा, वंस के नज़दीक है टेंस। तो वंस किससे किससे हेल्प लेगा, टेंस से हेल्प लेगा। अब टेन का ये प्रॉब्लम है कि ये जब भी किसी को देगा तो ये टेन दे सकता है, होता है उसके अलावा किसके पास होता ही कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, यही जो है वन टेंस अपना वन इसको दे देगा, तो वन जब उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, टेन। अब देखें यहाँ पे था नाइन, नाइन के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, एट। अब हम क्या करेंगे, टेन प्लस एट हमारा हो जाएगा एटीन, एटीन में से नाइन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं ब्रेन मैथमेटिक्स में पहले ही आपको बता चुका हूँ बहुत सारी टेक्निक्स, तो अभी हम उसी को रिवाइज करते हुए इसको करेंगे। एटीन में से हमने निकालना है नाइन, तो एटीन में से पहले एट निकाल दें, क्या बचा 10, फिर वन निकाल दें 9, तो क्या आपका आंसर आया 9। अब देखें यहाँ टेंस पे हमारे पास क्या रह गया, टेंस पे हमारे पास रह गया 8, और यहाँ पे कोई डिजिट नंबर नहीं है, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, और 589 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लें कि पहले हमने जब भी थ्री डिजिट नंबर में से वन डिजिट नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम पहले कैरी लेंगे, कैरी किससे लेंगे, टेन से। टेन जब भी कैरी देगा तो वो कितना देगा, टेन देगा। हम उस टेन को जो अपर फिगर है उसमें ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद लोअर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी हम करेंगे ग्रुप टास्क। तो ग्रुप टास्क में हम क्या करेंगे,
चार चार बच्चों का ग्रुप बनेगा, आपको मैंने दिए हैं 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, तो हर टेबल पे चार चार बच्चे बैठेंगे और इन क्वेश्चंस को जो बच्चे सबसे पहले करेंगे और उनकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, दे विल बी द विनर ऑफ टुडे। तो टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में करवाएं, क्योंकि आज बच्चों का ग्रुप कंपटीशन है और बच्चे इसको क्या करना चाहेंगे, विन करना चाहेंगे। तो बच्चों मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से विनर कौन है। तो टीचर जैसे ही पता लग जाए कि इनमें से विनर कौन है तो आप इन्हें दोबारा रिकनेक्ट कीजिएगा, हम दोबारा रीज्वाइन होंगे और मुझे आपने बताना है कि इन बच्चों ने विन किया है। तो तब तक मैं करूँगा आपका इंतज़ार, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करके वापस आएँ। वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया, आपने ग्रुप टास्क में प्रूव कर दिया कि आज का ये एसएलओ आपको बहुत मजेदार लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वर्क में देखें, ग्रुप वर्क में आपने काम करके दिखा दिया, अब बारी है कब काम करके दिखाने की, इंडिविजुअल वर्क में। इंडिविजुअल वर्क में आपने क्या करना है, ये इतना सा क्वेश्चन है कि 420 में से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं कितने, 7। तो जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट करें और करके किसको दिखाएंगे, टीचर को दिखाएंगे। टीचर ये बच्चे जब इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपने इनको कुछ नहीं बताना, जब तक ये कुछ पूछे ना आपने नहीं बताना, क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्क में बच्चे जब खुद अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं तो बच्चों के हाथ और ये दिमाग दोनों इक्वल चलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ही यही है कि बच्चे तमाम काम खुद करें, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इन्हें गाइड कर दें। तो जैसे ही बच्चे ये क्वेश्चन करके आपको दिखा दें तो दोबारा हम इकट्ठे होंगे, तब तक सर अहमद कर रहे हैं आपका इंतजार, तो जल्दी से वापस आएं। ग्रेट बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रैप अप। तो रैप अप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा आज का एसएलओ क्या था। आज का हमारा एसएलओ था सब्ट्रैक्ट 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि अब आपको ये एसएलओ मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका है, आप क्या करेंगे, आप टीचर को ये एक और क्वेश्चन करके दिखा देंगे, एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि आपने देखा है कि ये 4 जो है 8 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी, तो ये क्या दे देगा, इधर 10 दे देगा, तो यहाँ पे बच जाएंगे 6। तो अब आपने ये इस तरह करके सॉल्व करना है, सॉल्व करके टीचर को दिखाना है। टीचर मुझे आज ये लग रहा है कि बच्चे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, इनकी स्पीड में सबसे ज़्यादा आपका हाथ है, क्योंकि जब आप इनका मदद करती हैं, इनको गाइड करती हैं, तो आपके इस गाइड करने से बहुत ज़्यादा बच्चे स्पीड से काम करते हैं। तो इसी स्पीड को हम बढ़ाते हुए बच्चे जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट करें तो जल्दी से वापस आएँ, ताकि हम किसकी तरफ जा सकें, होमवर्क की तरफ जा सकें। बच्चों आज तो आपने मुझे हैरान कर दिया, इतनी स्पीड से आप काम कर रहे हैं। तो हम जाएंगे अब किसकी तरफ, होम एक्टिविटी की तरफ। होम एक्टिविटी करते हुए आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं। 231 - 3, वही वाला सिलसिला आप यूज़ करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं कि 1 जो है 3 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 10 एंड 1 11 11 में से 3 जाएंगे आपके 8 आ जाएगा, और ये 2 as it is and 2 as it is that। एक क्वेश्चन मैंने करके दिया आपको, लेकिन बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कौन करेंगे, आप खुद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके लिए ईजी होते जा रहे हैं। जब से आपने यूनिट नंबर 2 में कदम रखा है, आप लोगों की स्पीड बढ़ गई है, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, ये देखें ये क्या है जी, ये फ्रॉग है, इसके अंदर क्या है जी, 161 जर्म्स हैं। ये जर्म्स कैसे ख़त्म होंगे, ये जर्म्स ऐसे ख़त्म होंगे कि ये इसकी डिफरेंट टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, ये जिस जिसको खाता जाएगा उसका ये इतना ही कम होता जाएगा, अगर ये खाएगा तो 161 में से 9 कम हो जाएंगे, फिर ये खाएगा तो उसमें से मज़ीद 8 कम हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप अपने घर में बैठ के इसको एक 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 कर करके ये सारी टैबलेट्स खिलाएं, ताकि इसके अंदर के सारे जर्म्स क्या हो जाएं, किल हो जाए। तो ये कोशिश आपने करनी है, और किल करने के बाद आपने ये किसको लाके दिखाना है, टीचर को लाके दिखाना है, क्योंकि टीचर आपके बेस्ट वर्क को कहाँ पे डिस्प्ले करती हैं, क्लासरूम में डिस्प्ले करती हैं, और उससे आप वेल मोटिवेटेड होते हैं। तो
आज का लेसन एक्सपेक्टेड है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आपने क्या करना है, कैंटैप पब्लिशर को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से जब भी आप कैंटैप की कोई वीडियोस देख रहे हों, क्योंकि आपके रेगुलर कमेंट्स बताते हैं कि आप रेगुलरली कैंटैप को वॉच करते हैं, तो जब भी कोई वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तीन ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना चाहें तो इसको क्लिक कर दें, लेसन प्लान डाउनलोड करना चाहें तो इसको क्लिक कर दें, वर्कशीट डाउनलोड करना चाहें इसके लिए इसको क्लिक कर दें, क्योंकि कैंटैप के हमेशा काम कर रहा है आपके लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज करें। तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।